सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं सोशल एक्सपेरिमेंट का, जिसमें मैं लोगों से पूछूंगा कि 15 अगस्त के बारे में वो क्या जानते हैं और क्या बता सकते हैं। इसके सामने बैठे हुए हैं हर्ष गुप्ता जी, जो अपने बारे में परिचय देंगे। जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा परिचय, मैं हर्ष, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार कर चुका हूँ। पूर्व में जलाशय संयोजक का दायित्व था, अब वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से नगर विद्यार्थी प्रमुख हूँ। मैं इसी बीच हर्ष गुप्ता जी से कुछ 15 अगस्त के बारे में प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न उनके समक्ष रखता हूँ कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त भारतीय लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह है, इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, इसलिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं और उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हर्ष जी आपके सामने समक्ष है कि 15 अगस्त का हमारे देश में क्या महत्व है। 15 अगस्त का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम भारतीयों को एक दिन पूरी साल में एक दिन ऐसा भी मिलता है जिस दिन हम शहीदों को याद करते हैं। 15 अगस्त को हम हजारों की तादाद में हुए शहीदों को याद करते हैं, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। उस दिन हम फ्री होकर के भारत देश के लिए कार्य करने का काम करते हैं। और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ मैं कि इस बार कोरोना वायरस को चलते समय हमारे देश के स्कूलों में 15 अगस्त पर ध्वज धारण तो होगा, लेकिन लोग आप भाषण नहीं दे सकेंगे, बच्चे कविता नहीं सुना पाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है। इस बार कोविड-19 के चलते विद्यालयों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाई, इस बीच तो है त्यौहार आने लगे। 15 अगस्त का त्यौहार है हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस बीच स्कूलों में जो मुश्किल आती हैं, जो आ रही हैं मुश्किल, उनके समक्ष जो स्कूल में टीचर्स हमें ध्वजारोहण करेंगे और साथ में ई वीडियो के साथ 15 अगस्त का त्यौहार बना सकेंगे, ये जूम ऐप के जरिए। ठीक है, आपने अच्छा बताया कि, और आप कुछ और बोलना चाहेंगे 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त आज के लिए युवाओं के लिए प्रेरित करने वाला त्यौहार है, जो हम युवाओं को शक्ति बढ़ावा या जो हम पहले की स्थिति देखें और अब की स्थिति देखें, बहुत अंतर है, बहुत तुलना है। हमारे शहीदों ने जितना बलिदान दिया, जो हम उनके शहीदों को भूल जाते हैं, हमारे शहीदों की स्मारक में मिट्टी की धूल खा रही है, क्या हम वो शहीद लोगों की चित्रण पर हम माल्यार्पण कर सकते हैं क्या? क्या हम उन शहीदों की मूर्तियों पर पानी डालकर उनको पहुँच करके उनका माल्यार्पण कर सकते हैं क्या? हम शहीद पार्कों में झाड़ू लगा करके काम कर सकते हैं क्या? हम गरीब जो गरीब परिवार के लोग हैं, क्या हम उन्हें थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं क्या? तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम उन शहीदों को याद कर सकते हैं। इसीलिए चलिए, आपने 15 के बारे में इतना बताया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि जो आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय श्री राम मित्र।